हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्यौहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे छूट ना सके। जीवन में परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि गंभीर समस्याएँ हैं तो शास्त्रों में उसके सरल सटीक चमत्कारी समाधान भी हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त के पंचांग, राशिफल और महाउपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग के। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है, भाद्रपद का तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है शूल और कर्ण है वाणिज्य। और अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो कजली तीज की तिथि आज पड़ रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन काम में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बाधाएं बनी रहने वाली हैं, तो उससे बहुत परेशान होने, बहुत व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय करने से आप बचें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोग, अगर किसी को आप आज रुपए पैसे उधार देंगे तो इसकी पूरी पूरी गारंटी मुझसे ले लीजिए कि आपका वो उधार दिया हुआ धन वापस नहीं मिलना है। तो सबसे पहली चीज़, आप उधार न दें, और अगर देते हैं तो इतना ही पैसा दें जिसका अगर नुकसान भी होता है, वापस ना भी मिले तो आपको कोई बहुत बड़ा आज फर्क न पड़ जाए जीवन में, भविष्य में। आज की तिथि में पिता के प्रेम स्नेह, सामाजिक पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि के योग, करियर वगैरह में कोई बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम सिद्धार्जित पादाम बुझाए नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी स्थिति में न खोएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोग, भाग्य का मजबूत समर्थन आज आपको मिलेगा। आज आप काम में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े बुजुर्गों का दिल आप किसी भी स्थिति में न दुखाएं। कर्क राशि, भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन एक बार जब काम शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं रह जाएगी। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोग, अब तक आपने जो मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को अगर आपने रुपया पैसा उधार दिया है, आज उसका सबका एक जगह हिसाब किताब लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र के ऐसे योग हैं कि चीज़ें आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ आप विदा न करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपकी घरेलू समस्याओं को दूर करने का दिन है। जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहेंगे, धार्मिक उत्सव में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य किसी भी स्थिति में आप न खोएं। तुला राशि वाले जातक लोग, कोई ऐसा मित्र आज आपको मिल सकता है जिससे आपकी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है। ओम सर्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया अनुबंध करने में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके साथ कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आज आप काम में इतना ज़्यादा बिजी होंगे कि आपके अपने संबंध आपसे दूर हो सकते हैं, आपके रिलेशन जो है प्रभावित हो सकते हैं, तो सबका आपको ध्यान रखना है। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को रुपये पैसे उधार आप बिल्कुल भी ना दें। धनुराशि वाले जातक लोग, आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा, पुराने संपर्कों का लाभ मिल सकता है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए, अगर किसी की खुशी के लिए आज आपको अपनी खुशी या अपने पास से पैसे दांव पर लगाने पड़ जाएं, तो उसमें आपको बहुत हिचकना या सोचना नहीं चाहिए। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आप बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, काफी बार आपको प्रयास करने के बाद आज थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, तो ऐसे में आपको बहुत परेशान, बहुत दुखी नहीं होना है। संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। ओम सज्जिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद आप बिल्कुल भी न करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए,
आज जरूरत और आसपास की चीज़ों में बदलाव लाने के लिए कार्यस्थल पर आप कुछ प्रयास कर सकते हैं, और आपके प्रयास, आपकी मेहनत जो थी, जो पिछले समय आपने की थी, उसके चलते आपको बहुत अच्छी पदोन्नति मिल सकती है, नवीन संबंधों में लाभ हो सकता है। ओम श्रीपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, तनाव लेने से बचना चाहिए। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में। 12 राशि में हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं, दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अब हम लोग महा उपाय में जानेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा को पूरा करने के लिए किस देवी देवता को, किस पदार्थ का दीपक आपको जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी की पूजा में घी का दीपक जलाएं कि तेल का दीपक जलाएं, और तेल हो तो कौन सा हो, चमेली का हो, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो। तो आज आपके लिए मैं शास्त्रों को खंगाल करके, रिसर्च करके ये जानकारी लेकर के आया हूँ कि किस इच्छा की पूर्ति के लिए, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए किस देवी देवता को किस पदार्थ का दीपक आपको समर्पित करना चाहिए। हर भगवान का संबंध किसी न किसी विशेष वस्तु या इच्छा से माना जाता है। अगर अपनी इच्छा या मनोकामना के अनुसार संबंधित भगवान की मूर्ति को पूजा घर में स्थापित करके रोज उन्हें दीपक लगाया जाए तो मनुष्य की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। रुका धन पाने से लेकर के प्यार तक, बिजनेस में तरक्की से लेकर के बीमारियों से मुक्ति पाने तक, यानी रोगों से छुटकारा पाने तक के लिए आप अलग अलग प्रयोग दीपक के कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी इच्छा पूर्ति के लिए कौन कौन से भगवान को कौन कौन सा दीपक या धूप दीप आदि करना चाहिए। रुका हुआ धन पाने के लिए भगवान कुबेर की पूजा। भगवान कुबेर को धन का देवता मानते हैं। रुका हुआ धन की जो प्राप्ति है, अपने बकाए धन की, डूबे हुए धन की प्राप्ति या ऐसी कामना रखने वाले व्यक्ति को घर के मंदिर में उत्तर दिशा में कुबेर भगवान की मूर्ति स्थापित करके रोज उन्हें देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। प्रेम प्राप्ति के लिए, प्यार के लिए भगवान श्री कृष्ण, जिन लोगों को अपने प्रिय मित्रों या अपने जीवन साथी से प्यार पाने की इच्छा हो, उन्हें घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके देसी घी का दीपक, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा में देसी घी का दीपक ही जलता है तो देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की पूजा। बीमारियों से परेशान व्यक्ति को घर के मंदिर में सूर्य भगवान की तस्वीर या फोटो रख करके उसको स्थापित करके रोज सूर्य देवता को पहले तो घर के बाहर आप जल चढ़ाएं, बालकनी में, छत पर, जहां से आपको सूर्य देवता दिख जाते हों, फिर उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान में देसी घी का दीपक उनके लिए आपको जलाना चाहिए। व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए भगवान गणेश की पूजा। व्यापार में वृद्धि के लिए भगवान गणेश की मूर्ति घर या दुकान के मंदिर में आप स्थापित करें, रोज उनको देसी घी का दीपक लगाने से, अगरबत्ती जलाने से, धूप दीप करते रहने से व्यापार में वृद्धि होने लगती है। बुरे सपने से छुटकारा पाने के लिए भगवान हनुमान। जिन लोगों को डरावने या बुरे सपने आते हैं, उनसे मुक्ति पाना अगर आप चाहते हो तो उन्हें भगवान हनुमान की पंचमुखी स्वरूप की तस्वीर को लगा करके तिल के तेल, चमेली के तेल या सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, और दीपक लगाने में 2 लौंग आपको डालनी होगी। 2 लौंग वो भी साबुत होनी चाहिए, आगे उसमें फूल होना चाहिए, उसका फ्लावर हो, वो टूटे ना। तिल का तेल, चमेली का तेल, सरसों का तेल या देसी घी, 4 में से कोई भी दीपक हनुमान जी के लिए या भैरव भगवान के लिए जलाया जा सकता है। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए देवी लक्ष्मी। जिन लोगों को अपनी आय का स्रोत बढ़ाना हो, आय में वृद्धि करना चाहते हो, उन्हें घर या दुकान में देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रख करके उसके आगे देसी घी का दीपक नियम से जलाना चाहिए। नौकरी में वृद्धि के लिए, नौकरी पाने के लिए या नौकरी में प्रमोशन आदि के लिए, मनचाही जगह पर ट्रांसफर के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो नौकरी पेशा लोगों को अपनी तरक्की और सफलता के लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भी अगर होती हैं फोटो में या मूर्ति स्वरूप में तो बहुत ही शुभ होता है, और इनके समक्ष देसी घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए, तो विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए देवी सरस्वती और भगवान गणेश, इन दोनों की पूजा बहुत ज़्यादा सहती है, इनकी कृपा इनको मिलती है। जिन लोगों या विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता या इंटरव्यू वगैरह में सफलता की चाह, उन्हें अपने कमरे में देवी सरस्वती की मूर्ति, देवी सरस्वती की फ़ोटो, साथ ही साथ भगवान गणेश की फ़ोटो या मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए, और उनके समक्ष देसी घी का दीपक रोज एक बार सुबह या शाम जब मौका मिल जाए नहा धो करके ज़रूर करना चाहिए।
लड़ाई झगड़े वाद विवाद समाप्त करने के लिए भगवान महादेव की पूजा आराधना, जिन लोगों को अपने घर से घर के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद तनाव समाप्त करना है या मित्रों के साथ वाद विवाद हो गया उसे समाप्त करना है, तो भगवान महादेव की रोज पूजा आराधना करें और महादेव को देसी घी का दीपक आप जरूर समर्पित करें। महादेव भी एक ऐसे देवता हैं, सिर्फ महादेव, हनुमान जी, भैरव जी ये ऐसे देवता हैं जिनको किसी भी पदार्थ का दीपक जलाया जा सकता है। वो तिल का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है, चमेली का तेल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का देसी घी का भी जला सकते हैं। परिवार में सुख शांति के लिए श्री सीताराम जी। घर परिवार में हमेशा सुख शांति प्रेम सौहार्द बनाए रखने के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए श्री सीताराम जी, जिसमें सीताराम जी का पूरा दरबार हो, जिसको राम दरबार कहते हैं उसका स्वरूप होना चाहिए, जिसमें सीताराम मतलब सीता और राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, हनुमान जी हैं, भरत वगैरह भी हैं। तो अगर आप वैसी फ़ोटो या कोई वैसी स्वरूप अगर आप स्थापित करके नियम से उनकी पूजा आराधना करते हैं और वहाँ दीपक जलाते हैं देसी घी का, क्योंकि विष्णु स्वरूप हैं उनको देसी घी का ही दीपक चढ़ता है जलता है, इनकी पूजा में आपको तेल वगैरह प्रयोग नहीं करना होता, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलता है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक जो मेरे चैनल से मिलती है, ये रोचक तो ही है, ज्ञानवर्धक तो ही है, ये जीवन को बदलने वाली महाचमत्कारी और कल्याणकारी भी है, ये आपको अवश्य ही पसंद आती होगी और आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय जय श्री सीताराम। मित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।